हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री डॉक्टर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में आई हुए यूजी पीजी एंड पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। हम बात करने वाले हैं यूजी पीजी एंड पीएचडी के कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म 6 जून से लेकर 26 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो 22 जून से लेकर 27 जून के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट यूजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट 16 जुलाई दे रखी है। नोटिफिकेशन में बताया गया कि यूजी स्टूडेंट की फर्स्ट काउंसलिंग 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई के बीच में होगी ऑनलाइन मोड पर, एंड सीट अलॉट 3 अगस्त को होगा, एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 4 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच में होगा। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सेकंड काउंसलिंग 9 अगस्त से होगी स्टार्ट, एंड इसका रिजल्ट 16 अगस्त को आपको मिल जाएगा, एंड फ्रेंड्स वेरिफिकेशन 17 अगस्त से लेकर 18 अगस्त में होगा। नोटिफिकेशन में बताया गया कि इनके सेकंड काउंसलिंग में भी सीट फुलफिल नहीं होती है तो थर्ड काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं यूजी पीजी एंड पीएचडी के फॉर्म फीस के बारे में। तो जनरल कैटेगरी की ₹1500 दिया गया है, एंड एससी बीसी ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी की ₹375 फीस बताई गई है। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि यूजी प्रोग्राम के लिए कौन सी कॉलेज में कितनी सीट दी हुई है, जो नोटिफिकेशन में बताया गया है। नोटिफिकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। अब हम बात करने वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि एमएससी एग्रीकल्चर का एग्जाम 9 जुलाई को कंडक्ट करा दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में आप फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग की डेट देख सकते हैं, एंड सीट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी आप नोटिफिकेशन में अच्छे से देख सकते हैं। पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडिशनल सीट CSIR, UGC एंड GRF कैंडिडेट के लिए दी गई है। अब हम बात करने वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम नंबर ऑफ सीट में, जिसमें MSc एंड PhD के लिए नोटिफिकेशन में अलग अलग सीट दी गई है, जो आप डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीट दी हुई है। नोटिफिकेशन में आप डिटेल ऑफ फीस के बारे में देख सकते हैं।